जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो उसके लिए टिकट लेना जरूरी होता है। बिना टिकट के यात्रा करना कानूनी जुर्म है। पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। टिकट चेक करने के लिए रेलवे में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें टीटीई और टीसी कहा जाता है। हालांकि बहुत से लोग टीटीई और टीसी में अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि टीटीई और टीसी में क्या अंतर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि इंडियन रेलवे यात्रियों के टिकट को चेक करने के लिए टीटीई और टीसी दोनों की ही नियुक्ति करता है। टीटीई और टीसी दोनों ही टिकट चेक करते हैं और दोनों की ड्रेस भी एक जैसी ही होती है, लेकिन इन दोनों का कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग होता है। पहले बात टीटीई की करते हैं तो आपको बता दें कि टीटीई की फुल फॉर्म ट्रेवल टिकट एग्जामिनर होता है। आम भाषा में इन्हें टीटी भी कहा जाता है। टीटी ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट चेक करता है और अगर कोई यात्री बिना टिकट के यात्रा करता है तो टीटीई उस पर जुर्माना भी लगाता है। आसान भाषा में कहें तो टीटीई यात्रा के दौरान यात्रियों के टिकट चेक करता है। ये हमेशा काले कोट पहने हुए नजर आता है और इनकी कोच पर लगे बैच पर स्पष्ट रूप से टीटीई लिखा होता है। टीटीई की सारी गतिविधियां ट्रेन के अंदर होती है। हालांकि रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में देर रात टीटीई भी यात्रियों को टिकट दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकते हैं। टीटीई को एक तय समय से पहले टिकट चेक करने होते हैं। अब बात टीसी की करते हैं तो आपको बता दें कि टीसी का फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है। टीटीई की तरह टीसी का काम भी टिकट चेकर करना होता है। हालांकि टीसी ट्रेन के अंदर किसी यात्री का टिकट चेक नहीं कर सकता है, यह केवल प्लेटफॉर्म पर ही यात्रियों का टिकट चेक कर सकता है। जो यात्री ट्रेन से यात्रा करके प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, टीसी उनमें से किसी भी यात्री का टिकट चेक कर सकता है। कई बार ये स्टेशन के गेट पर खड़े होकर टिकट चेक करते हैं और बिना टिकट मिलने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाते हैं अथवा जेल भी भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।